केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहाँ जेल में हूँ, यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत माँ के लिए सोचता हूँ। भारत माँ बहुत दुखी है, भारत माँ दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। जब भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत माँ को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा,
कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी। देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौच नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों, भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। होना चाहिए? चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं।
इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पति को। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत में मैं सभी लोगों इंडिया अलायंस के लोगों का भी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद।